हम जा रहे हैं नानी के घर, और नानी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास वाले गांव मटीना के रोड में हमारे ममकोट पड़ता है। तो ये देखो भाई, यहाँ से वो ऊपर दिख रहा घर, तो घर के आगे से पूरा ये टूट रखा है। ये देखो आते हुए यहाँ पे गधेरे में भी आजकल भी भाई काफ़ी पानी है। ये देखो चाँद यहाँ से कितना नज़दीक लग रहा है। तो भाई आज हम जा रहे हैं ममकोट, और आगे से दीदी लोग जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। तो चलिए फिर करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मैं हूँ आशा फरसवान, उत्तराखंड चमोली के शोल डुंगरी गाँव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में और आज के नए ब्लॉग में। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, और हम जा रहे हैं नानी के घर, और नानी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास वाले गाँव मटीना के रोड में हमारे ममकोट पड़ता है। तो हम तीनों बहनें जा रहे हैं आज बड़े दिनों के बाद नानी को देखने, नानी की याद खबर करने के लिए। और हमारे साथ सुनीता दीदी भी आ रही है, क्योंकि सुनीता दीदी का ममकोट भी ना वहीं है। और यहाँ पे गेहूं की फसलें देखो भाई काफ़ी हरी भरी हो रखी है, क्योंकि बारिश के बाद ना फसलों का रंग ही निखर जाता है। ये देखो काफ़ी खूबसूरत सा व्यू यहाँ पर लग रहा है अभी शाम का। देखो भाई धूप भी ना ओ गधेरे पार जा चुकी है। तो अभी हम रोड में हैं, ये सुनीता दीदी भी आ गई है, ये तीनों आगे से जा रहे हैं। तो यहाँ से ना उधर को हम लोगों को जाना है। तो पहले ये वाली रोड जो उधर को जा रही है, ये बूंगा बुरसोलरथ गांव के लिए जाती थी। तो यहाँ आगे ना पूरा टूट गया था बरसात के टाइम पर, लैंडस्लाइड हुआ तो उसकी वजह से ना रोड नीचे चली गई यहाँ की। तो अभी वैसे यहाँ से मतलब बरसात के टाइम का रास्ता तो नहीं है, लेकिन अभी दिखाऊंगी मैं आगे आप लोगों को, काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है। वो तो मैंने पहले भी आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाया था, लेकिन आज काफ़ी नज़दीक से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। देखो भाई यहाँ से ना बहुत ख़तरनाक वाला रास्ता हो रखा है, काफ़ी मतलब बेकार रास्ता बोलते हैं जिसको। देखो भाई यहाँ से वो ऊपर दिख रहा घर, तो घर के आगे से पूरा ये टूट रखा है। ये देखो बहुत ही विशाल, मतलब क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं हमारे घर की भाषा में, बहुत ही विशाल हो रखा है यहाँ से नीचे गधेरे तक, और यहाँ से ऊपर और उधर तक। यहाँ से रास्ता देखो कितना पथरीला हो रखा है। तो यहाँ पे आजकल तो जाने लायक हो रखा है, लेकिन बरसात के टाइम पर ना बिल्कुल नहीं जाया जाता है। आजकल थोड़ा जमा हुआ है, मिट्टी जमी हुई है, इसलिए चले जाते हैं। तो ये ऊपर वाला घर ये देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा रह गया है, बस एक ही बरसात का काम है इसका, शायद पूरा ही नीचे आ जाएगा। देखो भाई इन्होंने ना ये छोटी सी बकरी को गोदी में उठा ले लिया है, कितनी प्यारी लग रही है। अभी हम हैं भाई झूला पुल में, ये देखो सारी पार्टी, तो बहुत अच्छा लग रहा है झूला पुल हिलते हुए जाते हुए। यहाँ पे गधेरे में भी आजकल भी भाई काफी पानी है। हमें ना यहाँ पे मिल चुकी है गाड़ी, तो ये बूंगा वाली रोड पे है, तो यहाँ से हम जा रहे हैं अब गाड़ी में। छातोली बोलते हैं यहाँ पे, उतर गए गाड़ी से। सुनीता दीदी ने यहाँ से नीचे जाना है, उसका ममकोट नीचे है, तो यहाँ पे गप्पे मार रही है, यहाँ पे उनकी जान पहचान का कोई मिल गया है। यहाँ पे आग लगा रखी है पूरी, ये देखो मांगा फूक रहे वाले। बाय बाय सुनीता दीदी, ठीक से चल।
हमारा रास्ता इस तरफ को है, यहाँ पे ना भाई अंधेरा भी होने वाला है। देखो जी ममकोट पहुँचते पहुँचते ना इतना अंधेरा हो चुका है, ये देखो चांद यहाँ से कितना नजदीक लग रहा है। चलिए जी 7 बज चुके हैं और अभी जाके हम पहुँचे मामी जी के घर में। ये है मेरी बड़ी मामी जी और ऊपर है बहू, इस तरफ को बैठे हुए हैं मेरे मामा जी। तो ये बड़ी मामी का घर है और साइड में है छोटी मामी जी और नानी जी वहीं हैं। तो हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। तो काफी रात हमको हो गई थी। ये है हमारी छोटी सी भतीजी सृष्टि, हाय कर दे, हाय कर दे। ये देखो भाई यहाँ पे ना ईशु बनाए रोटी और साथ में हमारी छोटी सी सृष्टि भी रोटी बना रही है देखो। तो मैं अभी आ चुकी हूँ छोटी मामी के घर में और मामी जी भी यहाँ पे बना रही रोटियाँ। तो ये देखो मस्त वाली आग जली है, साइड में बिल्ली भी बैठी है। तो ये मेरी छोटी मामी जी है और मैं उस वाले घर से बड़ी मामी के घर से अभी छोटी मामी के घर आई हूँ। ये है मेरी प्यारी प्यारी नानी। अभी हम लोगों का खाना भी हो चुका है और ये देखो भाई आग जली हुई है, मस्त वाली है। तो मुझे लगता है ना आज रात भर ये कछुए डालने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं कितनी रात तक ये बैठेंगे आज, क्योंकि यहाँ पे आग बड़ी वाली जला रखी है। और अभी दोनों मामी लोग दीदी लोग सारे यहीं पे बैठने वाले हैं और काफ़ी देर तक, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिलन हो रहा है यहाँ पे। तो कल हमने जाना है तो आज रात ये सारी गप्पे मार लेंगे। सुनिएगा।